नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अच्छी सुपर ट्रेंड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में, हमने यहाँ पे डबल ईएमए और सुपर ट्रेंड ये दोनों वाली चीज जो है यूज करी है। मैं आपको ये दोनों की दोनों चीजें इंपोर्ट करके एक बार में दिखा देता हूँ। देखिए मैंने सुपर ट्रेंड और डबल ईएमए, अगर आप फोन के ऊपर में देख रहे हो तो वीडियो पूरा देखिए, और अगर पीसी के ऊपर में देख रहे हो तो मेरे साथ साथ जो है वो यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पे सिंपली हम लोग ये काम करेंगे, इंडिकेटर्स के अंदर में आने के बाद में टाइप करेंगे डबल ईएमए, और डबल ईएमए आने वाले में हमें ये वाला नहीं देना, ये नीचे जो यहाँ पे द क्रिप्टो टिप्स का आ रहा है, 37 लोग अभी यूज कर रहे हैं, मैं इसको स्टार भी करके आपको दिखा रहा हूँ, डबल ईएमए द क्रिप्टो टिप्स वाला, इसे हम लोग यहाँ से इंपोर्ट कर देंगे। क्लिक करने के बाद से इंपोर्ट हो जाएगा। बस ये वाला इंडिकेटर आने के बाद में हमें और एक इंटर चाहिए, सुपर ट्रेंड, जिसके लिए हम लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए किवान भाई का है, किवान सी ओजबिल जी, हमारे चैनल पे बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो इन्हीं भाई साहब ने बनाए, तो एक बार में ये वाले इंडिकेटर भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ये देखिए अभी सेटअप बन के तैयार हो गया है। अभी इसके अंदर में हमें डबल ईएमई की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सुपर ट्रेंड यहाँ पे बाय और सेल सिग्नल बता देता है। हमें सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये जाननी है कि यहाँ पे बाय कब करना है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो बाय होने के बाद में प्राइस ऊपर चला गया, सेल के बाद में नीचे आ गया, बाय के बाद में फिर से ऊपर चला गया, तो हमें यहाँ पे डबल ईएमई की जरूरत क्यों है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ ताकि गलती से कुछ सेटिंग वगैरह खराब ना हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। हमने एक्चुअली एक दो रूल्स इसके अंदर से जो है वो यहाँ पे फिक्स करे कि अगर ये कंडीशन बनेगी तभी हम इसके अंदर में ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो लाइन्स है डी ई एम ए के अंदर में। मैं एक काम करता हूँ, सुपर ट्रेंड को यहाँ से थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे, देखिए ये वाली लाइन है, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करके थोड़ा मजबूत बना देंगे, और मजबूत बना देंगे। उसके बाद से जो लाल वाली है, लाल वाली के ऊपर गाढ़ा करके बहुत ज़्यादा मजबूत बना देंगे, बराबर। ये सिर्फ हमें विजुअली दिखने के लिए काम की है बस, बाकी इसके सेटिंग के अंदर में हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करने है। दोस्तों हमें इसके अंदर में देखिए, आप ये वाला जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन हमें जब कॉल साइड में जाना होगा, एक बार में सुपर ट्रेंड फिर से ऑन करके दिखाता हूँ मैं आप। यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमें जब बाय करना था तो बाय के लिए हमारी कंडीशन ऐसी बननी चाहिए कि जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, ये जो डी ई एम ए के डबल ई एम ए के जो ग्रीन लाइन है, इसके ऊपर में काम करना चाहिए प्राइस, बराबर। और यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने तब बाय बताया, तब भी आपको बाय करना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो प्राइस है वो इस ग्रीन लाइन के ऊपर में चाहिए, और यहाँ पे जो है सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया चाहिए, बराबर। यहाँ पे भी दिखिए वाइस वर्सा, थोड़ा सा पीछे लेके दिखाता हूँ, आगे वाला भी दिखा दूंगा आपको। ये वाला देखिए, यहाँ पे जब सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे सेल बताया तो प्राइस जो है प्राइस ग्रीन के पास है, तो हमें यहाँ पर ट्रेड जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है। हमें ट्रेड लेना है जब वो लाल क्रॉस करेगा, ये लाल वाली जो लाइन है वो अगर क्रॉस करता है और जो ट्रेड है वो कंटिन्यूएशन में चलता है, तब भी हमें इसके अंदर में जो है वो एंट्री लेनी है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपनी एंट्री बनती नहीं थी क्योंकि यहाँ पे प्राइस है, प्राइस ने यहाँ पे डी ई एम ए के रेट को क्रॉस नहीं किया था। थोड़ा सा आगे आने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं एक्चुअली ये चीज क्यों आपको बता रहा हूँ। सेम चीज यहाँ पे भी देखिए, आप यहाँ पे भी सेल का जो है, सेल का यहाँ पे सिग्नल मिल गया है सुपर ट्रेंड का। बहुत सारे भाई बहन अपने यहाँ पे ट्रेड लेते तो यहाँ पे देखिए लॉस उनका जो है वो यहाँ पे हिट हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, बराबर। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, पिछली एक या फिर दो कैंडल का जो हाई रहता है तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं जबकि हम सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप आने के बाद में देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइस है, प्राइस ने यहाँ पे डीएमए को नीचे के साइड में क्रॉस ही नहीं करा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय का सिग्नल बना है, यहाँ पे ऊपर के साइड में प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पे अपना एसएल जो है वो हिट हो गया। यहाँ पे सेल में फिर से एक बार में देखिए, यहाँ पे सेल का सिग्नल जो है वो मिल गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डीएमए के रेट को क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे आगे आने के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो क्रॉस मिल गया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो कैंडल ने सस्टेन नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पर भी हमारा ट्रेड नहीं बना। थोड़ा सा और पीछे जाने के बाद में देखेंगे। हाँ, और एक बात है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने दोनों भी कंडीशंस मीट हो गई है। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन के ऊपर में प्राइस है वो भी है, और सुपर ट्रेंड ने भी यहाँ पे बाय दे चुका है, और अब तक एसएल जो है वो हिट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कल के दिन में देखेंगे एक्चुअली क्या होगा। आज तो 26th of November है, कल के दिन देखेंगे क्या होगा। थोड़ा सा पीछे आएंगे, और नहीं तो एक काम करिए, चलिए बैंक निफ्टी के अंदर में देख लेते हैं। निफ्टी का तो हो गया, बैंक निफ्टी के अंदर में देख लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर में एक काम करेंगे, इसके अंदर में थोड़ा सा वेरिएशन करके भी देखेंगे। पहले मैं ड्राइंग क्लियर कर लूँ। 5 मिनट की जगह पे हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम करके देखते हैं अभी बैंक निफ्टी के अंदर में, बराबर। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर में काम करने से हमें पता चलता है कि वो इंडिकेटर जो है एक्चुअली सुपर ट्रेड, ये लैगिंग इंडिकेटर है भाइयों। तो इसके लिए आपको जब भी सुपर ट्रेंड के अंदर में काम करना है तो तब भी उसका जो 100% कन्फर्मेशन आता है तब भी काम करिए, क्योंकि सुपर ट्रेंड का ऐसा है कि एक कैंडल को बाय बतरेगा और अगली कैंडल को सेल बतरेगा। इस वजह से आपको ये जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर, इसको कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, लेकिन उसको कॉम्बिनेशन में यूज करके तब एमएसडी के साथ कॉम्बिनेशन करिए, आरएसआई के साथ करिए, या फिर ईएमए के साथ में करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15 मिनट के अंदर में हम लोग अभी चार्ट ओपन करके बैठे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिल गया है, बाय के साथ साथ यहाँ पे
एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा इसके बारे में हमने बात नहीं की। कॉल की साइड में लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना बाय बन जाए दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आएगा। यहाँ पे ये बाय का नाम लिखा होता है या फिर सेल का नाम लिखा होता है, हम लोग वहां तक जो है वो अपना SL रखेंगे। दोस्तों ये कोई किताबी स्ट्रेटजी नहीं होती, ये बैक टेस्ट करने के बाद में हमें पता चलता है कि यार कहाँ से कहाँ तक अगर करेंगे तो इसको रिजल्ट मिल सकते हैं। बराबर, तो यहाँ पे आएगा अपना SL और जो टारगेट है टारगेट आएगा जब तक सुपर ट्रेंड सेल नहीं बताता। तो यहाँ तक अब तक सुपर ट्रेंड ने सेल जो है वो नहीं बताया, तो इस वजह से हम लोग अगर यहाँ पे कंसिडर करके देखेंगे इसको, पहले काम करते हैं यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे प्राइस रेंज ले लेते हैं। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अपना बाय है और अभी यहाँ तक चल रहा है, मतलब 1755 रुपये का इसके अंदर में कॉल के साइड में बैंक निफ्टी दौड़ा है, मतलब वहाँ पे आपका कॉल का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे 8 या 10 बार तो मल्टीप्लाई हो ही चुका है। बराबर, थोड़ा सा पीछे आने के बाद में देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेल साइड में हमें जो है वो ट्रेड मिल गया था। बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेल साइड में यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल बता दिया और जो DEMA का जो है वो यहाँ पे भी क्रॉस ओवर हो गया है। बराबर, तो इस वजह से अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल पे जो है वो यहाँ पे सेल नाम नहीं आता, उसकी अगली वाली कैंडल पे आता है, क्योंकि ये वाली कैंडल कंप्लीट होने के बाद में ही सुपर ट्रेंड अपना जो है वो डिसीजन देते थे कि भाई अभी बाय कर या फिर सेल कर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यहाँ तक हमारा जो था वो प्रॉफिट आ गया था 1096 रुपये। बराबर, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन लॉस भी अगर होता है तो आपको वैसा ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर में मेजॉरिटी टाइम में आप 1:5, 1:6 का जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस रेशियो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये वाली स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ में अगर आप और एक इंडिकेटर ऐड करोगे जिसको हम इचिमोको क्लाउड कहते हैं, तो वे और भी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। तो दोस्तों आप ये वाली स्ट्रेटजी चेक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर में बता दीजिए कि आपको इसके अंदर में कोई डाउट है, तो हम लोग अगला वाला जो वीडियो उसके अंदर में वो क्लियर कर सकेंगे। इसी के साथ साथ मिलेंगे राइट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। जय हिंद।